Hi, this is Khushbu with another question of triangles. This is question number 7 from exercise 7.1, page number 120 from NCERT. This says AB is a line segment and P is its midpoint. AB is line segment hai aur P is ka midpoint hai. Midpoint ka matlab hua ye jo AP hai, this AP, this length is equal to PB. Ye PB ke equal hai. Such that BAD BAD ये वाला एंगल is equal to ABE, ABE इस एंगल के इक्वल है and EPA, EPA this angle is equal to DPB. So यहाँ से एक एंगल ही बन रहा है, यहाँ से एंगल बन रहा है जो कि इक्वल है, डबल एंगल का साइन दोनों एंगल से. हमें प्रूव करना है कि DAP, DAP ये ट्रायंगल इक्वल है ई बी पी के, इस ट्रायंगल के. तो सबसे पहले हमें गिवन है कि ए पी इक्वल है डी पी के और एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई और एंगल ई पी ए इक्वल है एंगल डी पी बी के. हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल EBP के. सबसे पहले हम दो ट्रायंगल्स लेंगे. सो इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP, इन दो ट्रायंगल्स में पहले एक ये DAP में this triangle and this और दूसरा ट्राइंगल ईबीपी, दैट मींस ये वाला इन दो ट्राइंगल्स में. सो लेंगे ट्राइंगल दिस एंड दिस. एपी इक्वल है आपके पास डीपी के, दिस इज गिवन. दूसरा आप ले सकते हैं कि डी ए पी इक्वल है ई बी पी के, ये कॉर्नर वाले एंगल्स जो इक्वल गिवन है हमारे को. सो ये है डी ए पी इज इक्वल टू एंगल ई बी पी, दिस इज गिवन. थर्ड एंगल जो हमें गिवन है वो है ई पी ए, ई पी ए इक्वल्स टू डी पी बी, ये दो एंगल गिवन है. बट ये हमारे ट्रायंगल में नहीं आ रहे, ये जो ई पी ए है ये ट्रायंगल के अंदर नहीं आ रहा. ट्राइंगल तो हमारा ऐसे है, उसके अंदर ये लाइन भी मानी जाएगी, तो उसके लिए भी कुछ ऐसा होता है. राधर ये जो एंगल आ रहा है इतनी चीज, ये ना आकर ये पूरा आता, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ी सी पार्ट ये वाला ई पी डी इसमें ऐड करना पड़ेगा ताकि ये एंगल यहाँ से यहाँ तक हो जाए, ये पूरी चीज कवर हो जाए. सेम वे दूसरे ट्राइंगल में भी इतना पार्ट गिवन है, बट इतना पार्ट इस ट्राइंगल का पार्ट नहीं है, तो हम इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर दें तो ये दोनों पूरे पूरे आ जाएंगे. दोनों में कॉमन चीज ऐड हो रही है ईपीडी, दोनों के अंदर अगर आप ईपीडी ऐड करेंगे तो आपका एंगल, तो ये आपका एंगल इतने से इतना इतना हो जाएगा. सो हम यहां पर ऐड करेंगे प्लस ईपीडी और इधर भी यहां पर भी ईपीडी, तो ये वाला एंगल आपके पास बन जाएगा एपीडी ऐड होके और ये वाला आपके पास बन जाएगा ईपीबी, एंगल ईपीबी. सो हमारे पास तीन चीजें आ गई हैं जिससे हम कह सकते हैं हमारे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. देयरफॉर ट्रायंगल डीएपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ईबीपी बाय एक एंगल ये आया, फिर एक साइड आई, फिर एक एंगल आया, तो एंगल साइड एंगल बाय एएसए कॉन्ग्रुएंसी रूल, कॉन्ग्रुएंसी रूल. और सीपीसीटी से हम कह सकते हैं जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए कि ये जो एडी है, दिस एडी ये इक्वल है बीई के, तो एडी इक्वल है बीई के बाय सीपीसीटी. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम एक्सरसाइज 7.1 एंड डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर सम मोर क्वेश्चंस. गुड बाय.